योगी आदित्यनाथ के साथ दिखी ममता बैनर्जी। ममता का G20 के डिनर में शामिल होना कांग्रेस को खटका। क्या ये मुलाकात टीएमसी और बीजेपी को ला सकती है करीब? इस मुलाकात से ममता इंडिया छोड़ एनडीए का दे सकती है साथ? क्या ये मुलाकात इंडिया के लिए कोई इशारा है या टीएमसी कांग्रेस की ही तरह अपना रही प्रेशर पॉलिटिक्स का रास्ता? क्या ये वाक्या ममता का विपक्षी गठबंधन में बढ़ा सकता है कद? सितंबर को जहां पूरे विश्व की नजर भारत पर थी, जहां भारत ने कई कीर्तिमान हासिल किए, जहां भारत का नाम विश्व के पटल पर लिखा गया, वहीं सम्मेलन में इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, देखिए किस तरीके से टीएमसी प्रमुख ममता बैनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज में नजर आई हैं। अब यही तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इस तस्वीर के बाद कांग्रेस और टीएमसी में ठन गई है। ममता बैनर्जी का रात्रि भोज में शामिल होना कांग्रेस के पेट में दर्द करा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात्रि भोज में शामिल होने के फैसले पर ममता बैनर्जी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा? कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अन्य कारण था। अधीर रंजन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बैनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के सूत्रधारों में से एक है और कोई भी उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता। सेन ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगी, लेकिन यह तस्वीर एक इशारा कर रही है और वो ये है कि क्या आम चुनाव 2024 के लिए ममता बैनर्जी कांग्रेस की ही तरह प्रेशर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में टीएमसी के पास लोकसभा में बहुत ज्यादा सीटें हैं और टीएमसी ममता को पीएम का दावेदार भी मानती है। इंडिया गठबंधन की हालिया तबीयत पर ध्यान दे तो अब तक ना तो सीटों का बंटवारा हुआ है, ना ही पीएम के चेहरे को लेकर कोई मुहर लगी है। तो क्या ये सच है कि ममता का प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये क्या ममता का इस तरीके से रात्रि भोज में शामिल होना इंडिया गठबंधन में टीएमसी और दीदी दोनों के कद को बढ़ा सकता है? अगर इस तस्वीर को देखें तो इसके एक और मायने निकाले जा सकते हैं और वो ये है कि क्या ममता अपना दल बदल सकती है? क्या ममता इंडिया छोड़ एनडीए का साथ दे सकती है? हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। राजनीतिक पंडित इसे ममता का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि ममता विपक्षी गठबंधन की अहम सूत्रधार है। ममता की पार्टी टीएमसी के पास 23 सांसद है जो कांग्रेस और डीएमके के बाद है। कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षियों के साथ टीएमसी के रिश्ते भी अच्छे हैं और आखिर में अगर ममता एनडीए में शामिल होती है तो आम चुनाव 2024 इंडिया के लिए एक सपने के जैसा हो जाएगा। ऐसे में ममता के साथ इंडिया गठबंधन कोई चांस तो नहीं लेना चाहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो G20 कई मायनों में देश की राजनीति का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो राजनीतिक फूट और एकजुटता का प्रमाण दे रही है। तो आगे क्या होना है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।